शौचालय के बारे में, शौचालय के बारे में हमने इस पार्ट में पिछले कारण से हमने पढ़ा था। शौचालय का उपयोग क्यों करना चाहिए, यदि हम खुले में शौच करेंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, जो लोग जिनके घर नहीं है वो शौचालय का उपयोग किस प्रकार करते होंगे, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती होगी, जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है उनके लिए कौन सी योजना के अंतर्गत उनको कुछ शुल्क दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने घरों में निःशुल्क शौचालय का निर्माण करवा पाए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी बात का एक हिस्सा है, सफाई की आदत को दिखावा नहीं। जैसा कि हमारा पाठ है वो पूरा स्वच्छ भारत मिशन अभियान पर है, तो स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा होने के कारण ये एक मुख्य बिंदु है। सफाई दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, सफाई हमारी आदत का एक हिस्सा होनी चाहिए। इस पाठ में बताया हुआ है कि जो बहन गंगा है उसके भैया भाभी शहर से लौटे थे, मैंने बताया, तो वो जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था चंडीगढ़। तो जो गंगा है उसने भैया भाभी की वहाँ की कुछ फोटोज थी, तस्वीरें थी, उनको उसने देखा, तो गंगा ने पाया कि वहाँ हर जगह पर इतनी साफ सफाई है कि पूछो मत, कहीं पे भी उसको कूड़ा कचरा बिल्कुल भी उसको दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही गंगा को ये पता चला कि जो भैया भाभी है उनके कुछ दोस्त या सहेलियां, भाभी की सहेलियां और भैया के कुछ दोस्त उनके गांव उनके घर में आने वाले हैं, तो गंगा ये सोचकर बड़ी चिंतित हो जाती है कि अरे मैंने आपकी जो फोटोज देखी थी उसमें तो वहां पर उनका घर है बहुत बड़ा है,